हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, मैं बात करने जा रही हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2021 का क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है इसको लेके कि मैम आगे मेंस की प्रिपरेशन करें या नहीं करें, क्योंकि अटेम्प्ट्स हमारे ऐसे गए हैं, एक्यूरेसी इतनी है, स्पीड नहीं आ पाई थी। तो गाइज इस वीडियो में मैं इसी के रिगार्डिंग बात करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर दूसरी एग्जाम्स के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और मैं आप लोगों के ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, इनके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखो प्रिडिक्शन होता है जो कट ऑफ का, वो सब हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, जो भी एजुकेटर्स आपको बता रहे हैं या जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं। कोई भी एग्जैक्ट तो नहीं बताता, एग्जैक्ट मैं भी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि कट ऑफ आपका कितना गया था, राइट। लेकिन एक आपको प्रिडिक्शन दे देते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाता है, ये हम लोग अपने अनुभव से आपको बताते हैं गाइस। तो आप लोग इस चैनल का पता है आपको कि मेन मोटिव यही है कि आप लोगों का ना मनोबल नहीं टूटे, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहो और एग्ज़ाम क्रैक कर लो। तो स्टेट वाइज कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ, टोटल 5000 के अराउंड आपकी वैकेंसी है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो यूपी स्टेट में है, राइट। तो यूपी वाले बच्चे तो निश्चिंत हो जाओ, क्यों, क्योंकि आप लोगों को जितना अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर वो अटेम्प्ट 40 की लाइन में है ना, लाइक 45, 46, 50 के ऊपर भी बहुत बच्चों के अटेम्प्ट्स हैं, तो आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो गाइस सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो क्या देखने को मिला 1 तारीख के पेपर में और 7 तारीख के पेपर में, कि 1 अगस्त को पेपर था उसमें बच्चों का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ आया था, जो क्वांट थी वो टफ आई थी, जिसके हिसाब से आप लोगों के जो अटेम्प्ट्स गए थे वो लो थे बहुत बच्चों के पास। जिनके भी मेरे मैंने मैसेज देखे, मैम 43 हुए, मैम 45 हुए, मैम 48 के अराउंड हुए, मैम 41 हुए, तो गाइस। और उसके बाद अगर मैंने 7 का देखा तो उसमें 50 प्लस भी गए हैं बच्चों के, 60 प्लस तक गए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए तो डेफिनेटली मिलने वाला है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे आप लोगों को स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में बताना है गाइस। तो आप ये मत समझना कि उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में पेपर टफ आया था उसमें आप ही का ही सिर्फ लो अटेम्प्ट रहा है, बाकी सबके अच्छे अटेम्प्ट हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे अटेम्प्ट आपके हैं, 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे ही बाकी लोगों के अटेम्प्ट रहते हैं, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए जहाँ वैकेंसी कम है गाइस वहाँ तो नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कट ऑफ अगर आप हम लोग निकालते हैं तो वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं, लेकिन जैसे 3 डिजिट्स में जहाँ वैकेंसी है, लाइक मैं बात कर लूँ, मैंने लिखे हुए हैं स्टेट को, आसाम की हो गई, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो गाइज़ यहाँ जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आप लोगों को बताऊँ, तो वो 45-50 के अराउंड रहनी चाहिए हैं आपकी। ये मैं जनरल कैटेगरी को ध्यान में रख के बात कर रही हूँ, यूआर कैटेगरी को ध्यान में रख के बात कर रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर जाती है, ओबीसी की 1-2 नंबर कम जाती है, और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स की थोड़ी और कम जाने की संभावना रहती है गाइज़, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ का आपका क्या रहने वाला है। जहां जो 2 नंबर में वैकेंसीज थी तो वहां पे हाई कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनके अच्छे अटेम्प्ट्स हैं गाइस, आप सब लोग जिनके 40 प्लस अटेम्प्ट्स रहे हैं, सब लोग मेंस की तैयारी करेंगे। एक तो क्यों करेंगे, क्योंकि वो तैयारी आपको कहीं भी नुकसान नहीं देने वाली है, कहीं भी आपकी वो खराब नहीं जाने वाली है। क्यों, क्योंकि आपका SBI क्लर्क का मेंस होगा, IBP RRB PO का मेंस होगा, RRB क्लर्क का मेंस होगा, तो ये आपके जो मेंस की प्रिपरेशन है वो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इवन अगर ये सारे नहीं भी होते हैं ना, तो ये आपकी प्रिपरेशन कभी भी ख़राब नहीं जाएगी। जब आपका जब सिलेक्शन होगा ना, तो ये प्रिपरेशन भी आपको उस टाइम पर हेल्प करने वाली है। मेंस की प्रिपरेशन में देखो अलग से कुछ नहीं रहता है, आप सबको पता है, आपने जो अभी पेपर दिया उसमें रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, जो कि RRB में तो नहीं था लेकिन SBI में था, तो ये आपका रहता है प्रीलिम्स में, राइट। मेंस में एक जो अलग से सब्जेक्ट जुड़ता है वो होता है आपका GA का, जनरल अवेयरनेस का। उसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का आपका रहता है वो क्या है, होता है करंट अफेयर्स होता है गाइस। करंट अफेयर्स के लिए सबसे बढ़िया सोर्स मैंने आपको बताया हुआ है अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड मैं आप लोगों को इसलिए और ज़्यादा उस पर जोर देते हुए बता रही हूँ, बिकॉज
अप टू 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है। ये जो आप लोगों की सेल है, ये सेल आई हुई है 15 अगस्त तक रहने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, BAC10 कोड लगा लीजिएगा, आप लोगों को और डिस्काउंट मिल जाएगा। लेना आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन है, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं गाइस, हमेशा आप लोग पूछते हो मैम कितने मंथ का करंट अफेयर्स आएगा, तो आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है ना, उससे 6 to 7 months बिफोर का आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना है। और अफेयर्स क्लाउड बहुत बेहतर है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो ले लीजिए, परचेस कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट की जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसे एज इट इज कीजिए, उसको थोड़ा सा आपको मेंस लेवल में बस मूव कर जाना है, मेंस लेवल के तरीके से उसको करना है। बाकी आप लोगों का अच्छे से तैयारी करने से बिल्कुल एग्जाम निकल जाएगा। प्रीलिम्स की जो मैंने कट ऑफ की बात की, सबसे मैं दोबारा से बोल दूं, अगर 45 प्लस अटेम्प्ट्स हैं विद एक्यूरेसी है 100% एक्यूरेसी, और जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है जिस स्टेट में, तो गाइस बिल्कुल आप लोग सेफ जोन में हो, प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दो। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, कट ऑफ लो रहने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो भी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आने लगे, और वीडियो को जितना हो सके गाइस लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।